ये भी पंडित जी का बेटा है, पंडित माननीय खेलने वाले अच्छी बात है, कुमार जी खेले और खेलते तो आए मोहनलाल साहब तो भाई ये खचरा बनता है तभी पार में सही पार में हरी एंट्री लो ये ईमानदारी टीम फजर है, मुझे गांव से लाई है, हम भी तो ले सकते तभी हमें नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हिमाचल दर्पण लाइव टीवी पर। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप सभी दर्शक, मैं आपके साथ निशेश शर्मा। विकासखंड राजगढ़ के अंतर्गत आने वाली बोहल टालिया पंचायत के बोहल गांव में कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इसका दूसरा सेमीफाइनल जो है कबड्डी का खेला जा रहा है। राजगढ़ वर्सेज स्वाना के बीच में दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है और शिलाई की टीम ने जो है फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जो टीम यहां से जीतेगी वो शिलाई के साथ फाइनल में भिड़ेगी और काफी कांटे की टक्कर का ये मुकाबला चला हुआ है स्वाना वर्सेज राजगढ़ के बीच में। सामने जो खिलाड़ी देख रहे हैं आप ये राजगढ़ टीम और दूसरी तरफ जो खिलाड़ी देख रहे हैं स्वाना यहीं की स्थानीय टीम। तो स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम पर जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताएं हमारी लाइव स्ट्रीम आप तक किस तरह से पहुंच रही है। और राजगढ़ से रॉबिन की रेड, अब देखना है अंक हासिल कर पाते हैं या नहीं। प्लीज कोच ध्यान दे, ड्यूरिंग डेट कोचिंग ना करे, नहीं नहीं कोई नहीं, वहाँ शांति हो जाती और यहाँ पर रेडर चोटिल हुआ है शायद। कबड्डी जो है खतरों का खेल है, काफी रोमांचक मुकाबला चला हुआ है राजगढ़ व्यापार मंडल वर्सेज बखोटा बी के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। माफी चाहेंगे, स्वाना बी के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। स्वाना बी की टीम यहाँ दाहन पंचायत की टीम है और दूसरी तरफ राजगढ़ व्यापार मंडल के ये खिलाड़ी रोबिन एक बार फिर से डू एंड डाई। विपिन भारद्वाज जी आपका स्वागत है, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। राजगढ़ व्यापार मंडल से रोबिन चले, अब देखना है डू एंड डाई अंक हासिल कर पाते हैं या नहीं और अंक लेने में सफलता। अंजना जी आपका भी स्वागत है, काफी रोमांचक ये मुकाबला चला हुआ है, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा और काफी अच्छा होल्ड। रोबिन चले एक बार फिर से, सभी दर्शकों को मैं बार बार बता रहा हूं कि कांटे का टक्कर का ये मुकाबला चला हुआ है और
स्वाणा की टीम यहां पर लोना के करीब पहुंचती हुई दो खिलाड़ी कोर्ट में। सुमन शर्मा जी आपका भी स्वागत है, मनोज जी आपका भी स्वागत है, शानू जी आपका भी स्वागत है। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम पर जुड़े हैं। काफी रोमांचक मुकाबला चला हुआ है ये। स्कोर तो बताओ। स्कोर प्लीज। स्कोर आउट। स्कोर आउट। और काफी अच्छा प्रदर्शन यहां पर राजगढ़ व्यापार मंडल की टीम का, और पहला टाइम आउट लिया गया है और लोना लगता हुआ यहां पर स्वाणा की टीम पर। आठ राजगढ़, तीन स्वाणा। दस राजगढ़, तीन स्वाणा। स्ट्रीम के बारे में जरूर हमें बताएं, हमारी लाइव स्ट्रीम आप सभी दर्शकों तक पहुंच पा रही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में। तो जरूर हमें स्ट्रीम के बारे में बताएं, हम अपनी लाइव स्ट्रीम में सुधार करने का प्रयास करेंगे कि हमारी लाइव स्ट्रीम की वीडियो ऑडियो आप तक सही ढंग से पहुंच पा रही है। वीडियो क्वालिटी के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। दीवाना जी आपका भी स्वागत है, स्ट्रीम के बारे में जरूर बताएं, वीडियो और ऑडियो के बारे में जरूर हमें बताएं, लाइव स्ट्रीम आप तक सही ढंग से पहुंच पा रही या नहीं। राजगढ़ वर्सेस स्वाणा के बीच में एक कबड्डी का मुकाबला खेला जा रहा है, कांटे की टक्कर का ये मुकाबला। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम पर जुड़े हैं, आप कौन से क्षेत्र से इस मैच को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, और जिन दर्शकों का हम नाम लेना भूल गए उन दर्शकों से माफी चाहते हैं। शिलाई ने फाइनल में प्रवेश किया है, जो टीम यहां से जीत के जाएगी फाइनल में शिलाई के साथ भिड़ेगी। हर्ष जी जरूर हमें बताएं स्ट्रीम के बारे में, लाइव स्ट्रीम आप तक किस तरह से पहुंच रही है, क्योंकि दर्शकों के कमेंट आ रहे हैं कि लाइव स्ट्रीम सही ढंग से नहीं आ रही है, तो जरूर हमें बताएं। निशान जी स्ट्रीम के बारे में जरूर हमें बताएं, हम स्कोर आउट भी आपके सामने करेंगे तो जरूर हमें बताएंगे, लेकिन स्ट्रीम के बारे में जरूर हमें बताएं। तपेंद्र जी आपका भी स्वागत है। हर्ष जी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। लाइव स्ट्रीम चौपाल से रवि ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं।
राम सिंह जी आपका भी स्वागत है। राजगढ़ टीम ने काफी अच्छी बढ़त बनाई है, 11 अंकों की बढ़त बनाई है। रोबिन की डू एंड डाई, करो या मरो, अंक हासिल करना होगा नहीं तो रेडर ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। 14-5 का ये अंकों का फासला और 14-6-7 अंकों 8 अंकों की बढ़त अभी भी बनी हुई है राजगढ़ की। हर्ष जी आपका भी स्वागत है। ऋतिक राजगढ़ की तरफ से रेड, निशान जी आपका भी स्वागत है और धन्यवाद जानकारी देने के लिए। कविराज शर्मा जी आपका भी स्वागत है, अंजना ठाकुर जी आपका भी स्वागत है और इस लाइव स्ट्रीम पर हमारे साथ एक महान शख्सियत जुड़ी है जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। कबड्डी के क्षेत्र में जिन्होंने हिमाचल का नहीं भारत का नाम रोशन किया है, तो हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम पर जुड़े हैं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान अजय ठाकुर जी और इस समय अपनी पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अजय ठाकुर जी आपका भी स्वागत है हिमाचल दर्पण लाइव टीवी पर, आप हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम पर जुड़े हैं। स्कोर आउट, सत्रह राजगढ़ 8 सवाना। Thank you.
तो जितने भी दर्शक हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम पर जुड़े हैं, सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि उड़ान वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इस बार जो है कबड्डी और वॉलीबॉल की प्रतियोगिता का आयोजन 19 अक्टूबर से राजगढ़ के नेहरू मैदान में किया जा रहा है। जो भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वो जरूर पहुंचे। वॉलीबॉल की पंचायत स्तर पर और ओपन कबड्डी की प्रतियोगिता का आयोजन इनके द्वारा किया जा रहा है और काफी अच्छा। तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि उड़ान वेलफेयर सोसाइटी द्वारा इस बार जो है 19 अक्टूबर से जो है दशहरा मनाया जा रहा है और कबड्डी ओपन स्तर पर और वॉलीबॉल ग्रामीण स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अच्छे और आकर्षक इनाम व ट्रॉफियां इनके द्वारा रखी गई है, जिसमें 51,000 रुपये विजेता टीम को रहेंगे। इसमें तो जरूर आप पहुंचे अपनी टीम लेकर, जो भी खेल प्रेमी है। और एक बार फिर से स्वाना की टीम यहां पर लड़खड़ाती हुई और लोने के करीब आ पहुंची है। और दूसरा लोना लगता हुआ यहां पर स्वाना की टीम पर। शानदार प्रदर्शन यहां पर राजगढ़ व्यापार मंडल का। और पहला हाफ यहां पर समाप्त हुआ और पहले हाफ का जो स्कोर है 23 राजगढ़ 9 स्वाना। पहले हाफ का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ, एक तरफा ये मुकाबला जाता हुआ हुआ और जो टीम यहां पर जीतेगी 23-9। एक तरफा ये मुकाबला जाता हुआ और जो टीम यहां से विजयी होगी वह शिलाई के साथ फाइनल में भिड़ेगी। जिस तरह शिलाई क्षेत्र के खिलाड़ियों ने कबड्डी में एक नई पहचान बनाई है, अब देखना यह होगा कि कौन सी टीम शिलाई के साथ भिड़ेगी। विशाल ठाकुर जी, आपका भी स्वागत है, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं जो अंकों का फासला है वो काफी ज्यादा है, 23 राजगढ़ 9 स्वाना। अब सेकंड हाफ का 23 राजगढ़ 9 स्वाना। तो सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि अंकों का फासला काफी ज्यादा है, 23 राजगढ़ है 9 स्वाना है। कौन विजेता होगा और कौन सी टीम जो है शिलाई के साथ फाइनल मुकाबले में भिड़त करेगी, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। रवि ठाकुर जी, जिस हिसाब से शिलाई का प्रदर्शन रहा है काफी अच्छा रहा है, लेकिन राजगढ़ की टीम भी है, कम टीम नहीं है, इसमें काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष अरविंद रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो आपके व्यापार मंडल राजगढ़ की टीम यहां पर आई है और काफी अच्छा प्रदर्शन इन खिलाड़ियों द्वारा यहां पर दिखाया जा रहा है और सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। अरविंद जी, क्या कहना चाहेंगे इन खिलाड़ियों के बारे में, क्योंकि पहली दफा व्यापार मंडल की टीम कबड्डी में भाग ले रही है और यहां पर एक खिलाड़ी शायद चोटिल हुए हैं। ऑफिशियल टाइम आउट दे दो यार, अरविंद जी धन्यवाद
आपका हमारे साथ लाइव स्ट्रीम पर जुड़ने के लिए, आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं। और स्वाना टीम की यहां पर दूसरे हाफ में अच्छी वापसी होती हुई लोने पर पहुंचा दिया है राजगढ़ को, और अच्छी रेड यहां पर ऋतिक द्वारा। तीन खिलाड़ी ही कोर्ट में रह गए थे, अब चार खिलाड़ी, एक अंक हासिल किया यहां पर ऋतिक ने और एक खिलाड़ी अंदर हुआ राजगढ़ टीम का। अरविंद ठाकुर जी क्या कहेंगे, पहली बार राजगढ़ व्यापार मंडल की टीम कबड्डी में भाग ले रही है। रेणु जी आपका भी स्वागत है। पवन जी काफी दिलचस्प ये मुकाबला चला हुआ है और तीन खिलाड़ी समय राजगढ़ टीम के कोर्ट में। गगन जी आपका भी स्वागत है। अरे सुहान जी आपका भी स्वागत है। रोबिन एक बार फिर से चोटिल हुए थे। चिराग जी अभी वॉलीबॉल का फाइनल नहीं हुआ है। रंजू ठाकुर जी आपका भी स्वागत है। सौरभ जी आपका भी स्वागत है। नीतू जी आपका भी स्वागत है। स्कोर आउट। पंद्रह स्वाना, 26 राजगढ़। 11 अंकों की बढ़त इस समय राजगढ़ की बनी हुई है। आर एस चौहान जी ये जो प्रतियोगिता है पंचायत स्तरीय ये प्रतियोगिता करवाई गई है विकास खंड राजगढ़ के अंतर्गत आने वाली बहुल टालिया पंचायत के बहुल गांव में। इसमें किसी भी संस्थान की टीम खेल सकती हो, किसी भी टेक्निकल पॉइंट वाला रेडर पंचायत स्तर की ये टूर्नामेंट करवाए गए हैं जिसमें किसी भी संस्थान की टीम भाग ले सकती है, किसी भी शैक्षणिक संस्थान की टीम भाग ले सकती है। जैसे व्यापार मंडल खेल रहा है
कॉलेज की टीम भी यहाँ पर आई थी, सोलन से भी यहाँ पर टीम आई थी, तो शैक्षणिक संस्थान की टीम होनी चाहिए और सभी के पास शैक्षणिक संस्थान का आई कार्ड होना जरूरी है। कबड्डी का फाइनल मुकाबला आज ही होगा और इसके बाद ही होगा शिलाई वर्सेस जोन सी टीम, यहां से जीत के जाएगी। स्कोर आउट 21-29, 8 अंकों की बढ़त अभी भी राजगढ़ की बनी हुई है। जरूर हमें बताएं स्ट्रीम के बारे में, हर चीज लिखते हैं स्ट्रीम। शायद टेक्निकल प्रॉब्लम आई है जिसके कारण लाइव स्ट्रीम जो सही ढंग से नहीं चल रही है, उसके लिए आप सभी दर्शकों से माफी चाहते हैं। जरूर हमें बताएं लाइव स्ट्रीम के बारे में। चुनने तो इस तक छोड़ देना, चलो कर अरविंद जी। बिल्कुल अच्छा लगता है जब इस तरह का प्रदर्शन व्यापार मंडल के होता है और काफी रश में ये मैच आता हुआ। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो जरूर हमें बताएं, अब भी लाइव स्ट्रीम अभी भी साफ नहीं आ रही है। माफी चाहते हैं असुविधा के लिए।
सभी दर्शकों से माफी चाहते हैं, शायद लाइव स्ट्रीम सही ढंग से आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो अब हमें बताएं लाइव स्ट्रीम के बारे में किस तरह से आप सभी दर्शकों तक पहुंच रही है। 31 राजगढ़, 25 स्वाना, 6 अंकों की बढ़त अभी भी राजगढ़ की बनी हुई है। अंतिम 4 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है। लाइव स्ट्रीम के बारे में जरूर हमें बताएं किस तरह से पहुंच रही है। और अच्छी रेड यहाँ पर, असुविधा के लिए माफी चाहेंगे आप सभी दर्शकों से। पीछे रहो, पीछे रहो। फाइनल भी अभी ही होगा इसका जी, कुछ ही देरी के बाद थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा। जो भी टीम यहां पर विजेता रहेगी और फाइनल में शिलाई के साथ भिड़ेगी। छह अंकों की बढ़त अभी राजगढ़ टीम की बनी हुई है और अच्छा पुशअप यहां पर, 7 अंकों की बढ़त यहां पर राजगढ़ की बनी हुई है और अंतिम 1 मिनट फाइनल में शिलाई गई है और यहां से लगभग राजगढ़ का तय हो चुका है फाइनल में पहुंचना। शायद इसके बाद अंतिम रेड और इसके बाद जो अतिथि टीम है शिलाई की, वो भी तैयार है। और राजगढ़ की टीम फाइनल में प्रवेश करती हुई, राजगढ़ व्यापार मंडल फाइनल में प्रवेश, शिलाई के साथ भिड़ेगी अब ये टीम। दर्शक आप यहां पर देख सकते हैं, दूर दूर से इस मैच को देखने आए हैं और हमारे हर्ष ठाकुर जी यहां पर उड़ान वेलफेयर सोसाइटी के जो सदस्य हैं। इस बार जो दशहरे का आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है, किस तरह का आयोजन है? सुरेंद्र जी यहाँ मेरे बड़े दादाजी, उसका स्वागत अभिनंदन और राजगढ़ को मैं बधाई देता हुआ, खासकर नमोल जी को
दो टूर्नामेंट करवा रहे हैं जिसमें एक वॉलीबॉल होगा, वॉलीबॉल पंचायत लेवल पे होगा और कबड्डी ओपन होगी। तो जो वॉलीबॉल का विनर रहेगा वो 41,000 रहेगा और रनर 21,000, और जो आपकी कबड्डी होगी वो 51,000 विनर और 25,000 रनर। तो एंट्री फीस क्या रहेगी सर इसमें? 25,000 की एंट्री होगी, 21,000। कब से कब तक ये प्रतियोगिता चलेगी? 19 तारीख से शुरू होगी, 19-20 मिनट के बाद आपका मैच वॉलीबॉल होगा और उसके बाद 24 तक कबड्डी होगी और दो सांस्कृतिक संध्याएं भी होगी। इन पानी वालों को भी धन्यवाद, पानी पिला पिला के बड़ा प्रारूप देने का प्रयास किया गया इस बार उड़ान का। आप सभी का आशीर्वाद है सही बनता रहा, इसे आने वाले समय पे हम 10 दिनों का दशहरा करेंगे। थैंक यू। तो ये थे हर्ष ठाकुर जी, उड़ान वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य है और उसमें पदाधिकारी भी है। इनके द्वारा जैसी जानकारी दी गई है कि कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन इस बार जो है राजगढ़ के नेहरू मैदान में किया जा रहा है। 5-6-7 अक्टूबर को राजगढ़ में तीन महत्वपूर्ण हो रहा है, छोटी वॉलीबॉल, शॉर्ट बॉल और कैच की प्रतियोगिता होगी। तो इसमें बहुत सारा महाकुंभ देखने को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इसमें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। अगली अपडेट लेकर आएंगे हम आप सभी लोगों के बीच कबड्डी का फाइनल मुकाबला शिलाई वर्सेस राजगढ़। 5-6-7 अक्टूबर को लाएंगे जो गेम में हमने अपनी यंग स्टार के लिए रखी है।